कैसे हैं आप सर? आवाज आ रही है मेरी सबको? फाइव मिनट्स वेट कर लेते हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी आ गए हैं तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंशन। आवाज आ रही है सबको? कैसे आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं? स्क्रीनिंग क्या है, प्रिवेंशन क्या है, डिफाइन करेंगे, एनडीएस करेंगे, स्क्रीनिंग के एम्स क्या है, हम स्क्रीनिंग क्यों यूज करते हैं, डिजीज बताएंगे उसकी और टाइप्स कितनी है स्क्रीनिंग की और क्राइटेरिया कौन से जिसको फॉलो करके हम स्क्रीनिंग करते हैं।
आवाजारी नहीं सकते, एटलीस्ट आप लोग रिस्पॉन्स तो दो कि आवाज आ रही है आप लोगों को। फर्स्ट देख लेते हैं स्क्रीनिंग क्या है। स्क्रीनिंग दी सर्च फॉर अनरिकग्नाइज्ड डिजीज और डिफेक्ट बाय मींस ऑफ रैपिडली अप्लाइड टेस्ट एग्जामिनेशंस और अदर प्रोसीजर्स इन अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल। ठीक है, स्क्रीनिंग क्या होती है कि नॉर्मल जो हमें हेल्दी लोग नजर आते हैं उनकी हम स्क्रीनिंग करते हैं ताकि देखते हैं कि उनमें डिजीज प्रेजेंट है कि नहीं। क्या अर्ली स्टेज पे हम थ्रू स्क्रीनिंग करके आइडेंटिफाई करते हैं। स्क्रीनिंग डिफर्स फ्रॉम पीरियोडिक हेल्थ एग्जामिनेशन फॉलोइंग इस रिस्पेक्ट। ठीक है, स्क्रीनिंग थोड़ी डिफरेंट है जो हम पीरियोडिकली एग्जामिनेशन करते हैं। बताइए किन किन पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्रीनिंग को आप डिफर कर सकते हो, जिसमें नंबर वन तो कैपेबल ऑफ वाइड एप्लीकेशन। ठीक है, ज़्यादा लोगों को हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है ये। क्या ऐसा कि इसमें कॉस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती कंपेयर करेंगे हम रूटीन एग्जामिनेशन पे या फुल फिजिकल एग्जामिनेशन जो रहते हैं। रिक्वायर लेटर फिजिशियन टाइम और इसमें टाइम भी कम चाहिए होते हैं। एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या है स्क्रीनिंग के। स्क्रीनिंग हम क्यों करते हैं, किस पर्पज के लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं। द बेसिक पर्पज ऑफ स्क्रीनिंग इज टू सॉर्ट आउट फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप ऑफ अपेरेंटली हेल्दी पर्संस। ठीक है, स्क्रीनिंग का फर्स्ट एम ये हो गया कि हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं जो हमारे पास लार्ज पॉपुलेशन होती है, जो नॉर्मली हमें हेल्दी लोग नजर आ रहे थे, तो हम स्क्रीनिंग करके हम जैसे जो डिजीज वाले पेशेंट होते हैं हम उनको सेपरेट कर लेते हैं, जो सिम्टोमेटिक हैं जिनमें स्क्रीनिंग से सिम्टम्स शो हो जाए। ठीक है, स्क्रीनिंग से हमें पता चले कि इनमें कोई ना कोई इश्यू है तो वो हम सेपरेट कर लेते हैं नॉर्मल हेल्दी पर्सन से। दोज लाइकली टू हैव बी डिजीजेस। ठीक है, जिनको डिजीज है वो हमारे सामने आ जाते थे स्क्रीनिंग से। दोज हु आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ डिजीज अंडर स्टडी टू ब्रिंग अपेरेंटली नॉर्मल पर्सन अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव हैं कि हम से ट्रेनिंग क्यों करते हैं। यूजेस क्या है स्क्रीनिंग के। नंबर वन पे है केस डिटेक्शन। ठीक है, हेल्दी अपेरेंटली लोगों में से हम क्या करते हैं केस आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे करते हैं, थ्रू स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, ताकि जो डिजीज वाले लोग हैं वो थ्रू स्क्रीनिंग से हमारे पास सेपरेट हो जाएं। प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग डिफाइंड एज ए प्रिजम्पटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनरिकग्नाइज्ड डिजीज व्हिच डज नॉट अराइज बट परफॉर्म फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज और डिजीज प्रिकर्सर्स इन अपेरेंटली वेल इंडिविजुअल्स सो दैट हेल्थ केयर कैन बी प्रोवाइडेड अर्ली इन द कोर्स ऑफ डिजीज और बिफोर द डिजीज बिकम मैनिफेस्ट। ठीक है, जिनमें अनरिकग्नाइज डिजीज होती है सो ट्रेनिंग से हम क्या करते हैं हमारे पास वो सेपरेट हो जाते हैं, पता चल जाता है कि अपेरेंटली हेल्दी में से कौन से डिजीज वाले लोग हैं। देन जब हमने स्क्रीन कर ली तो हम क्या कर सकते हैं इनको फर्दर डिजीज के स्प्रेड होने में या डिजीज के ट्रांसमिट होने में या सिम्टम अपीयर होने से पहले हम उनको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर वन इसका यूज आ गया कि हम केस आइडेंटिफाई करते हैं। हेल्दी अपेरेंटली जो पॉपुलेशन होती है उनमें से हम केस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं थ्रू स्क्रीनिंग से। ये हमारे पास क्या होता है फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, अगर हम अपने फर्दर से डिटेल में इसकी एग्जामिनेशन करना हो तो फिर हम फर्दर वो टेस्ट करते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेप को जो हम सेपरेट करते हैं जिनमें डिजीज अभी प्रेजेंट नहीं होती लेकिन मे बी रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट हो, इन स्क्रीनिंग से हम आइडेंटिफाई कर लें कि इसमें डिजीज जो थी वो एसिम्टोमेटिक थी लेकिन वो डिजीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो स्क्रीनिंग से हम सेपरेट कर लेते हैं। अर्ली स्टेज पे फिर हमें पता चल जाता है। क्योंकि अपेरेंटली हेल्दी में जब हम सब ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे पास दो तरह के लोग आएंगे। ठीक है, या जो तो टोटली अपेरेंटली नॉर्मल होंगे या जो अपेरेंटली अब नॉर्मल होंगे। ठीक है, जो नॉर्मल होंगे उनको हमें हम सब ट्रेनिंग नहीं करेंगे लेकिन जो थोड़े हमें लगेंगे कि जिनमें साइन सिम्टम्स या कुछ प्रॉब्लम है देन हम उनकी क्या
नॉर्मल पीरियडिकली स्क्रीनिंग करेंगे, इसके बाद हम इमीडिएट उनकी सर्विलेंस करेंगे या देन हम उनको ट्रीटमेंट देके क्योर कर लेंगे। सर्विलेंस में क्या क्या चीजें आती हैं? आप लोगों ने बताना है कि सर्विलेंस में क्या क्या चीजें हम करते हैं, ठीक है? सर्विलेंस किसे कहते हैं, कौन सी एक्टिविटीज हैं जो हम परफॉर्म करते हैं तो हम उसे सर्विलेंस का नेम देते हैं। क्लोज ऑब्जर्वेशन हो गई, और इसमें क्या क्या चीजें हम करते हैं, एक्टिविटीज कौन कौन सी करते हैं जब हमारी सर्विलेंस कंप्लीट होती है? सर्विलेंस में हम क्या कहते हैं, जब स्क्रीनिंग कर लेते हैं तो सर्विलेंस में हम क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं, हम डेटा कलेक्ट करते हैं इसमें, ठीक है, इसको एनालिसिस करते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, ये सारी एक्टिविटीज है जो हमारी सर्विलेंस में आती है, ठीक है? फिर हम लास्ट में इसको ट्रीटमेंट देते हैं ताकि वो क्योर हो सके। तो सर्विलेंस हम इसलिए करते हैं अर्ली साइन सिम्टम्स को डायग्नोज करने के लिए।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंट्रोल ऑफ डिजीजेस। ठीक है, डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं, प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग ऑफ इमिग्रेंट्स फ्रॉम इंफेक्शन डिजीजेस सच एज टीबी एंड सिफिलिस टू प्रोटेक्ट द अदर होम पॉपुलेशन। ठीक है, तो जब भी एचटी से ये कंट्री से दूसरी कंट्री आप मूव करते हैं तो कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जो वो करते हैं। यहां भी बता दीजिए टीबी या सिफिलिस है वो स्क्रीनिंग पॉपुलेशन है, वो इमिग्रेंट से अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसे वो सेव रेस्क्यू के लिए वो स्क्रीनिंग करते हैं। तो कंट्रोल ऑफ डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए भी हम स्क्रीनिंग करते हैं। फर्स्ट इसका जो यूज था कि हम केस आइडेंटिफिकेशन के लिए स्क्रीनिंग करते हैं, सेकंड है कंट्रोल ऑफ डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं, और थर्ड है रिसर्च पर्पज, अगर कोई रिसर्च करना चाह रहा है तो वो रिसर्च पर्पज के लिए स्क्रीनिंग कर सकता है। Sometimes screening is used for research purposes. Because there are many chronic diseases whose natural history is not fully understood. Now, जैसे hypertension and cancers हैं, screening में aid in obtaining more basic knowledge about natural history of such diseases. ठीक है, तो अगर किसी ने कोई टॉपिक पे स्टडी करनी है तो वो अपने रिसर्च पर्पज के लिए भी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए कौन सी डिजीज है, देन उस पर फर्दर अगर उस पर वो काम करना चाहे, उसकी नेचर हिस्ट्री देखना चाहे तो वो उस पर देख सकते हैं। तो स्क्रीनिंग का एक पर्पस ये भी हो गया कि हम उसे रिसर्च पर्पस के लिए भी स्क्रीनिंग करते हैं। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, स्क्रीनिंग आल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस एंड फॉर एजुकेटिंग हेल्थ प्रोफेशनल्स। ठीक है, जब हम स्क्रीनिंग करते हैं तो स्क्रीनिंग से जो फाइंडिंग्स आएंगे यहाँ से हम पब्लिक अवेयरनेस भी दे सकते हैं, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो एजुकेट हो सकते हैं। ठीक है, वो देख सकते हैं कि स्क्रीनिंग करने से क्या क्या इन्फॉर्मेशन के पास आती है, तो स्क्रीनिंग एज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो स्क्रीनिंग कर सकते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज होती है कि वो स्क्रीनिंग करके प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर सकें, या अगर उस पर वो उनको कोई ट्रीट करना चाह रहे हैं या कुछ भी इसमें देखना चाह रहे हैं तो स्क्रीनिंग करके वो फर्दर उसकी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनिंग एज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें हमने यूजेस देख लिए कि फर्स्ट हम केस आइडेंटिफिकेशन करते हैं स्क्रीनिंग से, सेकंड हमने इसमें देखा रिसर्च पर्पस के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं स्क्रीनिंग को। ठीक है, फिर हमने देखा कि कंट्रोल ऑफ डिजीजेस के लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं, लास्ट पे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज के लिए भी प्रोवाइड करते हैं हमें स्क्रीनिंग। तो ये कुछ पर्पसेस थे या यूजेस हैं स्क्रीनिंग के। अब नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स कितनी होती हैं स्क्रीनिंग की, तो इसमें फोर टाइप्स हैं, मैस स्क्रीनिंग, हाई रिस्क और सिलेक्टिव स्क्रीनिंग, मल्टी फेज स्क्रीनिंग एंड मल्टी पर्पस स्क्रीनिंग। मैस स्क्रीनिंग में क्या हो सकता है, मैस के मीनिंग वर्ड से ही आप देखो तो आपको आइडिया देगा, तो ये स्क्रीनिंग किस लेवल पे वो कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है मैस स्क्रीनिंग में। ठीक है, फर्स्ट में हमारे पास है मैस, मींस हम लार्ज पॉपुलेशन को स्क्रीन कर सकते हैं। ठीक है, नंबर टू पे हाई रिस्क और सिलेक्टिव स्क्रीनिंग, या हम उसको थोड़ा कंसाइज कर सकते हैं, जो हमें लगता है कि हाई रिस्क पे हैं, ठीक है, या उनको कोई प्रॉब्लम है हम उनको स्क्रीनिंग कर सकते हैं। मल्टी फेज स्क्रीनिंग है कि एक ही बंदे पे अगर हम टेस्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो हम दो मेथड से एक टेस्ट कर सकते हैं, ये हमारे पास मल्टी फेज स्क्रीनिंग आ गई। मल्टीपर्पज स्क्रीनिंग के एक बंदे पे हम डिफरेंट टेस्ट ले रहे हैं, डिफरेंट टेस्ट लेके इसकी स्क्रीनिंग करें। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स हैं, आगे देख लेते हैं हम डिटेल में।
मैसिव ट्रेनिंग, स्क्रीनिंग ऑफ होल पॉपुलेशन सब ग्रुप्स फॉर एग्जाम्पल आर अडल्ट, ठीक है, अगर हमारे पास एक्सपेंस ज्यादा है या हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं, मैसिव ट्रेनिंग कर सकते हैं, ओवरऑल जितनी हमारे पास पॉपुलेशन होगी हम सबकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें बताया गया एग्जाम्पल में हेपेटाइटिस बी की वो स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो वो लार्ज पॉपुलेशन पे स्क्रीनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाई रिस्क और सिलेक्टिव स्क्रीनिंग, ठीक है। इसमें हम अपना क्या कर लेते हैं, अपना थोड़ा एरिया कंसाइज कर लेते हैं, जो हमें लगता है कि हाई रिस्क ग्रुप है, फिर हम वो सिलेक्टिव स्क्रीनिंग उनकी कर लेते हैं, ठीक है। हम ओवरऑल पॉपुलेशन या लार्ज पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग नहीं करते, स्क्रीनिंग विल बी मोस्ट प्रोडक्टिव इफ अप्लाइड सिलेक्टिवली टू हाई रिस्क ग्रुप, ठीक है। मोस्ट प्रोडक्टिव तब स्क्रीनिंग आपकी होगी जब आप सिर्फ हाई रिस्क ग्रुप की ही स्क्रीनिंग करते हैं। जिसमें एग्जाम्पल दिए सीईओ ऑफ सर्विस इज रिलेटिवली लेस कॉमन अगर आपको पता है कि एक डिजीज किसी स्पेसिफिक ग्रुप में प्रेजेंट नहीं है लेकिन दूसरे ग्रुप में वही डिजीज प्रेजेंट है, तो इससे बेहतर है कि आप ओवरऑल पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग करो, ठीक है। अगर आपको पहले से पता है, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिए कि सर्विक्स, ये सर्विक्स है वो अपर सोशो इकोनॉमिक क्लास ग्रुप में एसेट्स कॉमन नहीं है, ठीक है, और लेकिन जो लोअर सोशल ग्रुप है इसमें सीए सर्विस के केसेस आपको ज्यादा मिल सकते हैं, ठीक है। तो एज कम्पेयर के अगर आप पूरी पॉपुलेशन को किसी स्क्रीनिंग करने बैठ दो और अगर आपको आइडिया है या आपको पता है कि किस ग्रुप में ज्यादा चांसेस है केसेस के, किस ग्रुप में चांसेस कम है केसेस के, देन आप सिलेक्टिव स्क्रीनिंग कर सकते हैं, ठीक है। जिस ग्रुप में आपको लगता है कि यहाँ पे आपको केसेस ज्यादा मिल सकते हैं तो आप सिलेक्टिव स्क्रीनिंग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्या होगा, टाइम भी सेव हो जाएगा, ठीक है, मनी भी सेव हो जाएगी और इसके जो रिजल्ट है वो ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, ठीक है। जब आप सिलेक्टिव स्क्रीनिंग करोगे टाइम भी आपको कम चाहिए होगा, कॉस्ट भी आपको कम चाहिए और आप अच्छे तरीके से वो स्क्रीनिंग कर सकते हैं। एज कम्पेयर अगर आपने 20 लोगों से स्क्रीनिंग करनी हो और जहाँ पे आपने 100 लोगों से स्क्रीनिंग करनी तो कितना डिफरेंस है दोनों के दरमियान। इसमें सेकंड टाइप से बता दिया कि आप सिलेक्टिव स्क्रीनिंग भी कर सकते हो, ठीक है। जो हाई रिस्क ग्रुप जिनको आपको पता होता है आप उनकी स्क्रीनिंग कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टाइप आ गई मल्टी फेज स्क्रीनिंग। इट हैज बीन डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ टू और मोर स्क्रीनिंग टेस्ट इन कॉम्बिनेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट वन टाइम देन टू कैरी आउट स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सिंगल डिजीज, ठीक है। एक डिजीज है उस डिजीज के लिए वो डिफरेंट टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, मोर टू और मोर स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, एक ही बंदे पे एक ही डिजीज को डायग्नोस करने के लिए वो डिफरेंट टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। द प्रोसीजर में आल्सो इंक्लूड हेल्थ क्वेश्चनेयर, क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड अ रेंज ऑफ मेजरमेंट्स एंड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। मतलब एक डिजीज को डायग्नोस करने के लिए ये डिफरेंट मेथड्स को वो एक बंदे पे अप्लाई कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चनेयर के जरिए भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, वो जो मेथड या वो यूज कर रहे हैं वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, या थर्ड हमारे पास डिफरेंट अगर हमारे पास कोई टेस्ट अवेलेबल है तो वो भी हम कर सकते हैं। इट मीन्स मल्टी फेज मीन्स डिजीज एक है, बंदा एक है, लेकिन डिफरेंट मेथड से उसको वो डायग्नोस कर रहे हैं, ठीक है। एक बंदे पे वो डिफरेंट टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, क्वेश्चनेयर से भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो फिजिकल एग्जामिनेशन भी वो कर सकते हैं, ठीक है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी वो कर सकते हैं, मीन्स डिफरेंट टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं वो एक ही डिजीज को डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे मल्टी फेजिंग स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज, ठीक है, एक फर्स्ट वो ग्लूकोमीटर से भी वो शुगर चेक करते हैं, ठीक है, सेकंड वो ब्लड टेस्ट भी ले सकते हैं डायबिटीज को डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। तो डिफरेंट दोनों टेस्ट एक ही डिजीज को डायग्नोस करने के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। डायबिटीज को डायग्नोस करने के ब्लड टेस्ट भी ले सकते हैं, ठीक है, ग्लूकोमीटर से भी वो चेक कर सकते हैं, वो यूरिन टेस्ट भी ले सकते हैं। डिजीज एक है लेकिन वो डिफरेंट मेथड से इसको वो डायग्नोस करेंगे। जी हमारे पास आ गई मल्टी फेजिंग स्क्रीनिंग। नेक्स्ट है मल्टी पर्पज स्क्रीनिंग, ठीक है। इसमें क्या है, दी स्क्रीनिंग ऑफ अ पॉपुलेशन बाय मोर देन वन टेस्ट डन सिमल्टेनियसली टू डिटेक्ट मोर देन वन डिजीज, ठीक है। पीछे क्या था कि वो स्क्रीनिंग टेस्ट एक से ज्यादा करे थे लेकिन डिजीज एक थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपर्पज में ये है कि यहाँ पे वो डिफरेंट डिजीजेस देख रहे हैं, एक से ज्यादा डिजीजेस को वो देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो, ठीक है, एक ही इंडिविजुअल पे वो डिफरेंट डिजीजेस को डायग्नोस कर रहे हैं थ्रू स्क्रीनिंग से। अब एक ही बंदे की स्क्रीनिंग वो हाइपरटेंशन के लिए भी कह रहे हैं और एक ही बंदे की स्क्रीनिंग वो
डायबिटीज मेलिटस के लिए भी कह रहे हैं, ठीक है। पीछे था कि वो डिफरेंट टेस्ट से सिंगल डिजीज को देख रहे हैं, और यहाँ पे है कि डिफरेंट टेस्ट से वो डिफरेंट डिजीज को देख रहे हैं, ठीक है, मल्टीपर्पज। फिर हमारे पास आ गई मल्टीपर्पज स्क्रीनिंग। क्लियर हो गया सबको, डिफरेंस पता चल गया। फोर टाइप्स हमने देखी स्क्रीनिंग की, ठीक है। नंबर वन पे हमने देखी मैस स्क्रीनिंग, जो हम ओवरऑल लार्ज पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर नंबर टू पे हमने देखी हाई रिस्क और सिलेक्टिव स्क्रीनिंग, कि हम सिलेक्टिव कर लेते हैं, लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमने सिर्फ इतने ही पॉपुलेशन का पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग करनी है, ठीक है। या जिनको कोई डायग्नोज, जिनमें कोई प्रॉब्लम है या कोई सिम्टम्स शो है सिंपल, हम उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, हम ओवरऑल पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग नहीं करते। फिर हमने देखी कि हमारे पास मल्टी फेजिंग स्क्रीनिंग है, जिसमें हमारे पास इंडिविजुअल एक है, डिजीज एक है, लेकिन हम डिफरेंट टेस्ट से उसी डिजीज को डायग्नोज कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है मल्टीपर्पज, जिसमें हमारे पास इंडिविजुअल एक है, ठीक है, लेकिन हम एक से ज्यादा डिजीजेस देखने के लिए इसकी स्क्रीनिंग करें। जैसे हम हाइपरटेंशन देखने के लिए इसका बीपी ले रहे हैं, डायबिटीज चेक करने के लिए हम उसका ब्लड टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिजीजेस को हम इंडिविजुअल में देखते हैं, तो हमारे पास मल्टीपर्पज स्क्रीनिंग आ गई। नेक्स्ट है क्राइटेरिया कौन सा है स्क्रीनिंग का। क्राइटेरिया ऑफ स्क्रीनिंग बेस्ड ऑन टू कंसिडरेशन, द डिजीज टू बी स्क्रीन एंड द टेस्ट टू बी अप्लाइड। ये दो क्राइटेरिया है स्क्रीनिंग के, किस डिजीज को स्क्रीन करना है और टेस्ट कौन सा अप्लाई करना है। चलो आप ले लो फिर मार्च के लिए ब्रेक, ठीक है। 5:30 में तो देन 5:40 फिर हम स्टार्ट करते हैं, 10 मिनट्स का ब्रेक कर लो, नमाज पढ़ लो फिर हम स्टार्ट करते हैं।
जी स्टार्ट करें दोबारा। अभी तक हमने स्क्रीनिंग देखी है, डेफिनेशन उसकी, ठीक है, फिर हमने यूजेस देखे, उसके एम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टाइप्स देखी है, और नेक्स्ट हम देखने हैं क्राइटेरिया कौन से स्क्रीनिंग का, जिसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, डी डिजीज टू बी स्क्रीन एंड डी टेस्ट टू बी अप्लाइड। विल्सन क्राइटेरिया स्क्रीनिंग का एक, विल्सन क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग एम्फसाइज द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ एनी स्क्रीनिंग प्रोग्राम एज फॉलो। द कंडीशन शुड बी एन इम्पोर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है, ये कुछ कंडीशन है जिनके लिए, जिनकी बेस पे हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं, कि जिसकी आपने स्क्रीनिंग करनी है वो एक इम्पोर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसकी आप, जिसके लिए आप स्क्रीनिंग कर रहे हो। द नेचर हिस्ट्री ऑफ कंडीशन शुड बी अंडरस्टूड, ठीक है, डिजीज से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। देयर शुड बी अ रिकॉग्नाइजेबल लेटेंट और अर्ली सिम्टोमेटिक स्टेज, ठीक है, लेटेंट या सिम्टोमेटिक स्टेज और जिन जिनकी आप स्क्रीनिंग करें, ठीक है, तो फिर यहाँ पे सिलेक्टिव स्क्रीनिंग आ जाएगी। देयर शुड बी एन एक्सेप्टेबल ट्रीटमेंट रिकॉग्नाइज फॉर द डिजीज, जिस डिजीज की आप स्क्रीनिंग करें उसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ट्रीटमेंट शुड बी मोर इफेक्टिव स्टार्टेड अर्ली, ठीक है, अगर आप ट्रीटमेंट अर्ली स्टार्ट कर लेते हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। देर शुड बी अ पॉलिसी ऑन हु शुड बी ट्रीटेड, आपके पास पॉलिसी होनी चाहिए कि किन किन लोगों को आप ट्रीट कर सकते हो, ट्रीटमेंट दे सकते हो, ठीक है, किन की आप स्क्रीनिंग कर सकते हो, फिर आप उनको ट्रीटमेंट दे सकते हो। डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, आप जो भी डायग्नोज करो थ्रू स्क्रीनिंग से या जो आप ट्रीटमेंट दो वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, एक्सपेंसिव वो नहीं होना चाहिए उस पर। केस फाइंडिंग शुड बी अ कंटिन्यूस प्रोसेस नॉट जस्ट अ वंस और फॉर ऑल प्रोजेक्ट, ठीक है, अगर आप स्क्रीनिंग से कोई भी केस फाइंडिंग डिडक्ट करते हो तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी अपने किसी पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करें तो उसके बाद आप उसको जर्नलाइज ना करो, ठीक है। इस लाइन का मतलब है कि आप जब भी स्क्रीनिंग करते हैं आपके पास जो भी केस फाइंडिंग्स आती हैं वो एक टाइम के लिए नहीं होनी चाहिए बल्कि फॉर ऑल, ठीक है, कोई भी उसको आगे फर्दर उस पर स्टडी कर सकते हैं या उसको लेके चल सकते हैं, ठीक है, सबके लिए वो ओपन होने चाहिए, मीन जर्नलाइज होने चाहिए, पब्लिश होने चाहिए इसकी फाइंडिंग्स आके, फर्दर उस पर अगर कोई काम करना चाहे तो वो उस पर कर सकते हैं। देर शुड बी अ टेस्ट दैट इज ईजी टू परफॉर्म एंड इंटरप्रेट, एक्सेप्टेबल, एक्यूरेट, रिलायबल, सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक, जो भी आपने टेस्ट परफॉर्म करना है और इंटरप्रेट करना है, ठीक है, वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, एक्यूरेट उसकी फाइंडिंग होनी चाहिए, वो टेस्ट रिलायबल होना चाहिए, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेंसिटिविटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पेसिफिसिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सेंसिटिविटी क्या होता है ये हमें ट्रम्स रिसर्च में भी पढ़ी थी, सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू एंड नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, याद है किसी को सेंसिटिविटी क्या होता है, स्पेसिफिसिटी क्या होता है, सेंसिटिविटी में हम क्या चीज़ देख अच्छा, इनमें हम डिजीज लोगों को सेपरेट करते हैं या हम जो हेल्दी होते हैं उनको सेपरेट करते हैं? ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं जो हमारे पास होते हैं डिजीज के साथ इंडिविजुअल्स, ठीक है, वो हम सेंसिटिविटी में आइडेंटिफाई करते हैं।
सेंसिटिविटी हम कहते हैं, इट मीन्स किसी भी टेस्ट की सेंसिटिविटी मीन्स कि उस टेस्ट ने आइडेंटिफाई कर ले कि कौन से लोग डिजीज के साथ प्रेजेंट थे, ठीक है, और स्पेसिफिसिटी में आ जाता है कि जो जिन लोगों को डिजीज नहीं थी। क्या तो सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट और स्पेसिफिसिटी ऑफ द टेस्ट मींस कि सेंसिटिविटी ऑफ टेस्ट में ये है कि उसने टेस्ट ने आइडेंटिफाई कर ले कौन से डिजीजेस के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, स्पेसिफिसिटी में जो उनसे हेल्दी पॉपुलेशन है ठीक है जिनमें डिजीज प्रेजेंट नहीं है। ये आगे हम फर्दर देखेंगे इसका फार्मूला और इसकी कैलकुलेशन। अच्छा, अब जो विल्सन का क्राइटेरिया है स्क्रीनिंग का, ठीक है, 2008 में विद इमर्ज of new genomic technology WHO synthesize and modify these with new understanding as follow, ठीक है, WHO ने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की है। विल्सन क्राइटेरिया की जगह WHO का स्क्रीनिंग क्राइटेरिया यूज होता है, ठीक है, पॉइंट्स में सेम ही है, मीनिंग उसका सेम है, ठीक है, वर्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी जो WHO ने की है। दिस स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुड रिस्पोंड टू आर रिकॉग्नाइज्ड नीड, ठीक है, जो नीड जिस उस टाइम की रिक्वायरमेंट है कि स्क्रीनिंग प्रोग्राम उस पे हो रहा है, उस डिजीज पे हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई किसी भी साइट पे कोई डिजीज है, ठीक है, या कोई इशू है तो उस पे स्क्रीनिंग करने की जरूरत है, तो वो उस रिकॉग्नाइज्ड नीड को देख के उस पे स्क्रीनिंग प्रोग्राम करें। वो दी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्क्रीनिंग शुड बी डिफाइंड एट द आउटसेट, देयर शुड बी अ डिफाइंड टारगेट पॉपुलेशन, there should be scientific evidence of screening program's effectiveness. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्क्रीनिंग शुड बी डिफाइंड एट द आउटसेट मींस स्टार्ट पे स्क्रीनिंग के ऑब्जेक्टिव डिफाइन होने चाहिए कि स्क्रीनिंग आप क्यों कर रहे हो, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या आप देखना चाह रहे हो, टारगेट पॉपुलेशन आपकी डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है, और आपके पास एविडेंस होना चाहिए जैसे कि साइंटिफिक प्रोग्राम अगर आप चलाओगे या उस पर काम करोगे तो उसकी इफेक्टिवनेस कितनी होगी, कितना इफेक्टिव होगा, ठीक है, इसके लिए आपके पास साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए। The program should integrate education, testing, clinical services, and program management. There should be quality assurance with mechanisms to minimize potential risks of screening. The program should ensure informed choice, confidentiality, and respect for autonomy. ठीक है, अब यहाँ पे भी स्क्रीनिंग अगर वो करें, यहाँ पे भी वो एथिक्स को फॉलो करें कि इन्फॉर्म कंसेंट वो लेते हैं जिनकी स्क्रीनिंग करनी है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हैं, एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी मीन्स उनकी अपनी मर्जी है कि वो स्क्रीनिंग के लिए अलाउ करते हैं कि नहीं करते, ठीक है, तो हम ऑटोनॉमी को भी रिस्पेक्ट देते हैं, वो भी हम मेंटेन करते हैं। स्क्रीनिंग के हम क्वालिटी इंश्योरेंस देखते हैं, स्क्रीनिंग से अगर किसी को कोई रिस्क होता है तो हमारा ही स्क्रीनिंग को स्टार्ट करते हैं या प्रोग्राम उसको रन कर रहते हैं, उसकी कोशिश होती है कि कम से कम उससे स्क्रीनिंग से रिस्क हो। The program should promote equity and access to screening for the entire target population. ठीक है, अगर आप किसी को स्क्रीनिंग प्रोग्राम रन करें तो उसमें इक्वल चांसेस है, अगर आप किसी टारगेट पॉपुलेशन से करें तो उनके पास इक्वल चांसेस है कि आप इक्वली सबको स्क्रीन करो या उनको ट्रीट करो। प्रोग्राम इवेल्युएशन शुड बी प्लान फ्रॉम द आउटसेट, प्रोग्राम इवेल्युएशन आपको स्टार्ट से ही प्लान करनी चाहिए जब आप कोई भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करते हो। The overall benefits of screening should outweigh the harm, ठीक है, और हमेशा आपकी स्क्रीनिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो अगर उसमें कोई रिस्क प्रेजेंट है तो रिस्क के हमेशा बेनिफिट ज्यादा होने चाहिए आपकी स्क्रीनिंग प्रोग्राम के, ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया जिसको फॉलो करके हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स बनाते हैं या रन करते हैं, ठीक है, पहले विल्सन का क्राइटेरिया था तो अब उसको WHO ने रिप्लेस कर दिया, तो हम अब WHO के स्क्रीनिंग क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। अभी तक क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन पूछना हो या जहां से ना समझ आई हो तो आप बता दो।
इतना काफी नहीं, आज दो लेक्चर हैं ठीक है, 7 बजे तक ही कंटिन्यू होगा ये पूरी पीपीटी, हम ये लेक्चर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग टेस्ट। द टेस्ट मस्ट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, सेफ्टी, रैपिडिटी, ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड को। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है स्क्रीनिंग टेस्ट के, ये सारी चीज़ें आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट में होनी चाहिए। रिपीटेबिलिटी क्या है, टेस्ट मस्ट बी रिपीटेबल एंड टेस्ट मस्ट गिव कंसिस्टेंट रिजल्ट व्हेन रिपीटेबल मोर देन वंस ऑन द सेम इंडिविजुअल और मटीरियल अंडर द सेम कंडीशन। ठीक है, टेस्ट में रिपीटेबिलिटी आनी चाहिए, मीन्स अगर आप टेस्ट को एक बंदे पे सेम सिचुएशन में डिफरेंट टाइम्स पर अगर आप उसको मेजर करते तो उसमें उनके रिजल्ट में कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। द रिपीटेबिलिटी ऑफ टेस्ट डिपेंड्स ऑन द मेजर फैक्टर्स। अब रिपीटेबिलिटी आपकी टेस्ट की डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पे, ऑब्जर्वर वेरिएशंस, बायोलॉजिकल वेरिएशंस, एरर रिलेटेड टू टेक्निकल मेथड। ठीक है, इन 3 चीज़ों की वजह से आपके रिजल्ट्स की जो रिपीटेबिलिटी है वो इफेक्ट कर सकती है। फर्स्ट पे देख लेते हैं ऑब्जर्वर वेरिएशंस। ठीक है, 2 तरह के इसमें टाइप्स आ गई, इंट्रा ऑब्जर्वर वेरिएशन एंड इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशंस। ठीक है, जो उनको ऑब्जर्व करा होगा फाइंडिंग्स को उनकी वजह से वेरिएशन आ सकती है। ठीक है, नंबर 1 पे ऑब्जर्वर वेरिएशन, इफ अ सिंगल ऑब्जर्वर टेक्स 2 मेजरमेंट्स इन द सेम सब्जेक्ट एट द सेम टाइम एंड ईच टाइम ही ऑब्टेन डिफरेंट रिजल्ट्स, दिस इज टर्म एज ऑब्जर्वर विद इन ऑब्जर्वर वेरिएशन। ठीक है, तो इंट्रा ऑब्जर्वर वेरिएशन में क्या आ गया कि एक सिंगल ऑब्जर्वर है वो 2 टाइम पे मैं 2 मेजरमेंट ले रहे हैं सेम सब्जेक्ट की सेम टाइम में, और ईच टाइम ही ऑब्टेन डिफरेंट रिजल्ट्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जो ऑब्जर्वर है वो कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहा है। ठीक है, या तो उसे मेजरमेंट करनी नहीं आती या क्या, इसलिए वो ऑब्जर्वर की अपना कोई इशू है। ठीक है, तो इसलिए इसमें वेरिएशन आ सकती है इंट्रा ऑब्जर्वर वेरिएशन में, कि एक ही ऑब्जर्वर है वो मेजरमेंट ले रहा है एक ही बंदे पर डिफरेंट टाइम्स पर, लेकिन इसकी ऑब्जर्वेशन हर टाइम पर डिफरेंट आती है। ठीक है, तो ये इसमें ऑब्जर्वर इंट्रा ऑब्जर्वर वेरिएशन आ गई। नेक्स्ट है इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन। इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन इज द अमाउंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन द रिजल्ट्स ऑब्टेन बाय 2 or more ऑब्जर्वर्स एग्जामिनिंग द सेम मटेरियल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि 2 लोग इसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, या किसी बंदे पे एक ही बंदे पे कोई टेस्ट अप्लाई किया था और उसकी फाइंडिंग्स वो नोट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक जो इंडिविजुअल एक जो ऑब्जर्वर है उसकी फाइंडिंग्स और आ रही है, दूसरा जो ऑब्जर्वर है उसकी फाइंडिंग और आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन। एरर्स जिसमें एग्जांपल दी गई, एरर्स आर कॉमन इन इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सरे ईसीजी रीडिंग ऑफ पीपी। ठीक है, एक ही बंदे का एक्सरे लिया लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन एक ऑब्जर्वर को और दे रहा है और दूसरा ऑब्जर्वर उसकी इंटरप्रिटेशन को और दे रहा है। ठीक है, तो ये इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन आ गई। ऑब्जर्वेशनल एरर्स कैन बी मिनिमाइज बाय स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर्स। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वर एरर्स हम कैसे खत्म कर सकते हैं कि एक ही हम प्रोटोकॉल सेट करें, इसी प्रोटोकॉल से सब में अगर हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो वो इस प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा। ठीक है, फिर इसमें कोई एरर या वेरिएशन नहीं आएगी। सेकंड हमारे पास है इंटेंसिव ट्रेनिंग ऑफ ऑल ऑब्जर्वर्स। ठीक है, फिर हमें ऑब्जर्वर्स की ट्रेनिंग करनी चाहिए, उन्हें एक्सपर्ट बनाना चाहिए कि किसी भी चीज़ को जब मैयर करते हैं तो वो उस काम में ट्रेन हो ताकि यहाँ पे भी एरर के चांसेस खत्म हो जाए। ठीक है, तो ऑब्जर्वर एरर्स हम स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर्स करके और ट्रेनिंग करके ऑब्जर्वर्स की हम एरर्स खत्म कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रा ऑब्जर्वर वेरिएशन और इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन, तो ये 2 वेरिएशन हमारी स्टडी में आ सकते हैं जिससे रिपीटेबिलिटी जो है वो
चांसेस इसके कम हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बायोलॉजिकल वेरिएशंस एसोसिएटेड विद मेनी फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स सच एज ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, सीरम कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल वेरिएशन है जो हर बंदे में बायोलॉजिकली ही वेरिएट है। ठीक है, ब्लड प्रेशर हर एक का डिफरेंट होता है, फाइंडिंग्स ब्लड शुगर्स डिफरेंट होते हैं, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल सबका डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल वेरिएशन है। एरर्स ड्यू टू टेक्निकल मेथड्स, अब कुछ टेक्निकल मेथड्स में की एरर की वजह से भी वेरिएशन आ जाते हैं, जैसे डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है या फॉल्टी रिएजेंट्स है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ही हमने ठीक यूज नहीं किया तो उसकी वजह से वो फाइंडिंग्स हमारी सेम नहीं आ रही, या कोई हमने कोई टेस्ट करना है जिसपे रिएजेंट ही हमने कोई गलत यूज कर लिया तो उससे फाइंडिंग्स इफेक्ट हो गई, तो इस वजह से हमारी रिपीटेबिलिटी इफेक्ट हो सकती है वेरिएशन की वजह से। अच्छा, अभी आप फर्स्ट लेक्चर की अटेंडेंस लगा दो, फिर ये हम स्टार्ट करते हैं वैलिडिटी। यही हमने कंटिन्यू करना है। ठीक है, सिक्स वाला दोबारा से लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस इसी पर आके अटेंडेंस लगाओ अपनी। इलेवन की अटेंडेंस हुई है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे 13 से हो रहे हैं 13, कोई रह गए तो वो अटेंडेंस लगाओ अपनी। ठीक है, तो मार्क रहेगा यहाँ पे भी अटेंडेंस उसी की अटेंडेंस होगी जो उन्होंने पहले मार्क कर दिया है, उनकी अटेंडेंस नहीं होगी।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास है वैलिडिटी, द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू सेपरेट और डिस्टिंग्विश दोज हु हैव द डिजीज फ्रॉम दोज हु डू नॉट हैव। ठीक है, वैलिडिटी में क्या है, टेस्ट की एबिलिटी है कि वो सेपरेट कर देता है डिजीजेस को, डिजीज लोगों को, ठीक है, जो डिजीज के साथ प्रेजेंट करते हैं, और उनको सेपरेट करता है क्योंकि डिजीज नहीं होती। वैलिडिटी के हमारे पास दो कंपोनेंट है, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। सेंसिटिविटी क्या है, द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली आर दोज हु हैव द डिजीज दैट इज ट्रू। ठीक है, जो ट्रू पॉजिटिव है उनको वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि इनको डिजीज है, ठीक है, वो डिजीज के साथ प्रेजेंट करते हैं। टेस्ट की एबिलिटी है कि वो इनको करेक्टली आइडेंटिफाई कर देता है कि इतने परसेंट लोगों को डिजीज है, ठीक है, तो वो सेंसिटिविटी में आ गया। जैसे इसमें एग्जाम्पल है कि 90% सेंसिटिविटी मीन्स 90% ऑफ द डिजीज पीपल आर ट्रेन बाय द टेस्ट विल गिव अ ट्रू पॉजिटिव रिजल्ट्स एंड रिमेनिंग 10% आर फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, इट मींस कि जो सेंसिटिविटी है उसमें हमारे पास 90% में कह रहे कि वो डिजीज बंदे हैं, लेकिन जो 10% रह गए वो फॉल्स नेगेटिव है। ठीक है, तो सेंसिटिविटी हमें बताता है कि कौन डिजीज के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, इनको सेपरेट कर लेते हैं। स्पेसिसिटीज का उल्टा आ गया सेंसिटिविटी का, ठीक है, द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली ऑल दोज हु डू नॉट हैव द डिजीज दैट इज ट्रू नेगेटिव। ठीक है, वो ट्रू पॉजिटिव को आइडेंटिफाई करता है, ये ट्रू नेगेटिव को आइडेंटिफाई कर लेता है। 90% सेंसिटिविटी मींस 90% ऑफ द नॉन डिजीज पीपल स्क्रीन बाय टेस्ट एंड विल गिव अ ट्रू नेगेटिव रिजल्ट एंड रिमेनिंग 10% ऑफ नॉन डिजीज पीपल स्क्रीन बाय टेस्ट विल बी रॉन्ग क्लासिफाइड एज डिजीज बट एक्चुअली दे आर नॉट डिजीज फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, तो स्पेसिफिक 90% तो उसने बता दे कि उनको कुछ लोग हैं जो नॉन डिजीज हैं, लेकिन 10% वो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी देते हैं। ठीक है, 10% जो नॉन डिजीज पीपल थे वो स्क्रीन किए टेस्ट से, तो उसने गलत बता दिया कि वो डिजीज के साथ प्रेजेंट करें, लेकिन एक्चुअली में वो डिजीज के साथ प्रेजेंट नहीं करे, ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दे दिए। ठीक है, इसी तरह जैसे सेंसिटिविटी था वो भी 90% की सेंसिटिविटी थी कि वो बता रहा था कि इतने परसेंट डिजीज के साथ प्रेजेंट हैं और इतने परसेंट डिजीज के साथ प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, मीन्स इसमें फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट भी आ जाते हैं। फिर एक्यूरेसी के लिए हम मूव करते हैं पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू पे और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू पे, ठीक है, वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। इसी तरह आप सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी को फाइंड आउट करने के लिए आप 2 बाय 2 टेबल बनाओगे। ठीक है, इसमें लेफ्ट साइड पे आपकी आगे पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, और साइड पे आपकी डिजीज और नॉन डिजीज आ जाएंगे, जिसमें आप लोग देखो जिसमें ऑप्शन जिसमें टेबल को ए में देंगे ट्रू पॉजिटिव, इसको हमने ए का नेम दे दिया है। फिर इसके सामने हमारे पास है फॉल्स पॉजिटिव, इसको हमने बी का नेम दे दिया है। सी हमारे पास है फॉल्स नेगेटिव और डी हमारे पास है ट्रू नेगेटिव। ठीक है, अब ट्रू पॉजिटिव का क्या मतलब है कि जिसका जिनका टेस्ट भी पॉजिटिव था और जिनको डिजीज भी थी। ठीक है, ये हमारे पास आ गए ट्रू पॉजिटिव। नेक्स्ट क्या है फॉल्स पॉजिटिव, इसका क्या मतलब है कि उसको डिजीज नहीं थी लेकिन टेस्ट ने कह दिया कि वो डिजीज के साथ प्रेजेंट करे, तो ये इसके पास आ गए हमारे पास आ गए फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, डिजीज नॉन डिजीज है वो ऊपर से अगर आप देखो, ठीक है, और साइड से आप देखो तो टेस्ट कह रहा है कि वो पॉजिटिव है, इट मीन्स ये हमारे पास आ गए फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, ट्रू पॉजिटिव में आ गए कि उसको डिजीज भी थी और टेस्ट ने भी इसको डायग्नोज कर दिया, तो ट्रू पॉजिटिव आ गया। अब फॉल्स पॉजिटिव का मतलब है उसको डिजीज नहीं थी लेकिन टेस्ट ने उसको कह दिया कि वो उसमें डिजीज प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव आ गया। इस तरह आप नेगेटिव में देखो फॉल्स नेगेटिव, इट मींस कि उस बंदे को डिजीज थी लेकिन टेस्ट उसका नेगेटिव आ गया, तो ये हमारे पास आ गए फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, डिजीज उस बंदे में थी लेकिन जब उसका हमने टेस्ट करवाया तो टेस्ट उसका नेगेटिव आ गया, टेस्ट कह रहा है कि इस बंदे में डिजीज नहीं है लेकिन एक्चुअली में उस बंदे में डिजीज प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास आ गया फॉल्स नेगेटिव। इसमें ट्रू नेगेटिव है, इट मींस कि उस बंदे को डिजीज प्रेजेंट, उसमें डिजीज प्रेजेंट नहीं है और टेस्ट ने भी कह दिया कि उसको डिजीज नहीं है, तो ये हमारे पास आ गया ट्रू नेगेटिव।
ठीक है, आगे हम फार्मूला देखते हैं कि हम सेंसिटिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं और स्पेसिफिसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये टेबल क्लियर क्लियर है सबको? ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव एंड ट्रू नेगेटिव। क्लियर हो गया सबको? यहाँ पे बता दी गई ट्रू पॉजिटिव या दो इंडिविजुअल्स फाउंड पॉजिटिव ऑन टेस्ट। ट्रू पॉजिटिव आ गए हमारे पास, पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट बट डू नॉट हैव द डिजीज की हमारे पास आ गए फॉल्स पॉजिटिव। नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट एंड हैव डिजीज की हमारे पास आ गए फॉल्स नेगेटिव। नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट एंड डू नॉट हैव डिजीज की हमारे पास आ गए ट्रू नेगेटिव। ठीक है, जो ABCD था वो हमने अपने इजी के लिए हमने ताकि हमें क्लियर हो जाए इसलिए हमने नहीं दिए हुए हैं, लेकिन आप जब 2 by 2 का टेबल बनाओगे तो आप इस तरह ट्रू पॉजिटिव लिखोगे, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव एंड ट्रू नेगेटिव लिखोगे। ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट, नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट, ऊपर आपके पास डिजीज और नॉन डिजीज आ जाएगा, डिसऑर्डर और नॉन डिसऑर्डर आ जाएगा। इस तरह का आपका 2 by 2 का टेबल बनेगा। ठीक है, अभी आप ये नोट कर लो ताकि नेक्स्ट एग्जाम्पल है फिर हम वो कैलकुलेट करेंगे कि हम सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नीचे आप देखो इसका फार्मूला है सेंसिटिविटी का, ट्रू पॉजिटिव ओवर ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो इस तरह हम सेंसिटिविटी काउंट करेंगे टेस्ट की। स्पेसिसिटी का फार्मूला ट्रू नेगेटिव ओवर ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, अगर आप इस तरह एरोस को याद रखो तो आप फर्स्ट में देखो एरो नीचे की तरफ आएगा, ट्रू पॉजिटिव ओवर ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव सेंसिटिविटी में। ठीक है, स्पेसिसिटी में एरो ऊपर की तरफ चला जाएगा, ट्रू नेगेटिव ओवर ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का फॉर्मूला है ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। इस तरह नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का फॉर्मूला है ट्रू नेगेटिव ओवर टू फॉल्स नेगेटिव प्लस ट्रू नेगेटिव। इसमें भी अगर आप एरोस को देखो, ठीक है, तो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू में एरो आपका जाएगा लेफ्ट से राइट साइड पे और नेगेटिव में आपका राइट से लेफ्ट साइड पे मूव करेगा एरो। ठीक है, इसे मैं ड्रॉ करके भी बता देती हूँ आपको। ठीक है, एरो भी मैंने बनाए नहीं है, बस मैंने वैसे बताए हैं आपको, अभी मैं बताती भी हूँ आपको। जैसे ये हमारे पास 2 by 2 का टेबल है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रू पॉजिटिव, यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव और ट्रू नेगेटिव। ठीक है, डिजीज प्रेजेंट, डिजीज नहीं है इसमें, टेस्ट पॉजिटिव है इसका, टेस्ट नेगेटिव है। ठीक है, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला अगर हम देखें
सेंसिटिविटी में अगर आप लोग एरो बनाओ, ट्रू पॉजिटिव ओवर ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, तो इस तरह एरो, ठीक है। जब एरो बनाओगे तो आपको इजी हो जाएगा याद रखने में, फार्मूला आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें ट्रू पॉजिटिव ऊपर, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव नीचे आएंगे, ठीक है। ये सेंसिटिविटी आ गई आपके पास, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। एरो जब आप याद रखोगे तो आपको पता होगा कि ऊपर चीज क्या आनी है, नीचे क्या आनी है, ठीक है। ट्रू पॉजिटिव ऊपर और ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव नीचे, ये आपके पास आ गई सेंसिटिविटी। स्पेसिफिसिटी एरो आप ऊपर की तरफ कर दो, ये हमारे पास आ जाएगी स्पेसिफिसिटी, ठीक है। अभी से हमारे पास ट्रू नेगेटिव ऊपर चला गया है, और ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव हमारे पास नीचे आ गए, ये हमारे पास आ गई स्पेसिफिसिटी। ठीक है, क्लियर हो गया। ये एरो बस आपको याद रखने के लिए बताए हैं कि इस तरह आप एरो जब बनाओगे तो आपको फार्मूला इजीली याद होगा, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होगा कि सेंसिटिविटी में क्या चीज ऊपर आनी थी और स्पेसिफिसिटी में क्या चीज ऊपर आनी थी। ठीक ठीक है, इसी तरह अगर हम पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू की बात करें, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू की बात करें, तो भी इसी तरह हम एरो से कर सकते हैं। ठीक है, सेंसिटिविटी में हम यहाँ पे गए थे, स्पेसिविटी में हम इस तरफ गए थे, जिस तरह पॉजिटिव प्रेडिक्टिव में आप देखो तो हम इस तरफ जाएंगे इस तरह, ठीक है। नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू में आप देखो तो हम इस तरफ को मूव करेंगे। है, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू में हम ट्रू पॉजिटिव ऊपर, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, इस तरह नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू में ट्रू नेगेटिव ऊपर, ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव आ गया आपके पास नीचे, ठीक है। सेंसिटिविटी में हमने किया था ट्रू पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। स्पेसिफिसिटी में हमने किया था ट्रू नेगेटिव ओवर ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह आपको इजी रहेगा याद करने में, ठीक है। टेबल की समझ आ गई। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, अच्छा अभी कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ से लॉग आउट कर दिया था, वो कह रहे हैं 6 बजे 6 वाला आप ज्वाइन कर लें, तो फिर 6 वाला हम सब ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ से। ठीक है, फिर हम दोबारा से फिर ज्वाइन कर लेते हैं, पता नहीं ज्वाइन होता है कि नहीं होता, फिर ये भी इश्यूज होते हैं।
इसलिए मैंने कहा था कि इसी पे आप लोग रहो, लोग और करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर दोबारा से करें हम लॉगिन। अन करके ना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है।